तो भाई अब हम निकल चुके हैं, देखते हैं क्या होता है आज, कहा जाता है। तो मैं अकेला ही हूँ, मजा आ रहा है एंकर, ये मेरा पुराना वाला स्कूल। तो अभी मैं जा रहा हूँ अनुष के पास, फिर आऊंगा शायद मिलन को लेने, मिलन का भी कॉल आया था। तो भाई पहुँचने वाला हूँ, हम जा रहे हैं विरासत। ये गलत चीज हो गया भाई, क्या चल हो गया? अब तो आ चुके हैं विरासत में। मैं भी पहली बार आया, मेरे को नहीं पता कि विरासत में होता क्या है। तो आज मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ कि विरासत में होता क्या है। तो वही भैया शर्मा गए थे, रोड क्रॉस करते हैं। वैसे वो अंदर जाने वाले हैं, तो भाई ये देखो आप, वो हम एंट्री कर रहे हैं यहाँ से। भीड़ तो बहुत है, एक नंबर भाई, भीड़ तो एक नंबर है, भयंकर ही भीड़ है भाई, ज़्यादा ही भीड़ है। मेला झंडे के मेले में भी इतनी भीड़ नहीं होती है जितनी है भाई। ये देख राजस्थान का स्टॉल, देहरादून में ना एक तो तुम्हें खाना मतलब मोमोज हर जगह मिल जाएंगे, और एक नेचर की खूबसूरती हर जगह मिल जाएगी, और एक तुम्हें ब्लॉगर हर जगह मिल जाएगा। देहरादून की सबसे खास बात, और ये ग्लैमर, ये नज़ारे, ये भी तुम्हें सिर्फ देहरादून में ही मिलेंगे। कर सकते हो, टैलेंट की कदर ही नहीं है किसी को। पोछा देख लो भाई, तो पूरे स्टॉल लगे हुए यार, जैसे मेले में लगते हैं, मेला ही है एक तरीके का है। बालों की तहस तहस हो रखी भाई, घोंसला बन रखा चिड़िया का, क्या करूँ, पर जितना भी सही कर लूँ ऐसा ही होते ही नहीं। कंगी मार लूँ, कुछ भी कर लो भाई, ऐसे ही रहते हैं। नगर भीड़ तो वहाँ थी दशहरे पे, परेड ग्राउंड में, वहाँ थी भयंकर असली भीड़ सीन हुए। अबे वहाँ औरतें बोल रही है मेरा बच्चा मर गया, जल्दी आगे चढ़े हो, कोई साइकिल लेके आ रहा, कोई साइकिल लेके आ रहा, साइकिल वाले का थप्पड़ दे दियो। हो गया कितना सही। अबे देखिए मैंने रील पे देखा था भाई, चिड़िया मर जाएगी उठा ले। चलो भाई ये देख, ये सारा वुडन क्राफ्ट का काम है, महंगे छोटे छोटे फाउंटेन, एक नंबर भाई, सुंदर लग रहा है भाई। है तो वैसे यहाँ पे काफ़ी सारा देखने लायक, काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखने लायक। देहरादून में भी कुछ ना कुछ लगता ही रहता है, थोड़ा तबला म्यूज़िक, थोड़ा असली टैलेंट दिखाते हैं। ये वो लग रहा है भयंकर टैलेंट हंट, इधर आ जाए, जाए तबला में बजा। एक नंबर आर्टिस्ट आ रखे भाई यहाँ पे, इतना बढ़िया बजा रहे ना। इधर भी है क्या? इधर तुम गए नहीं यार। ओ ये देख मार्बल की वो होगी है, ओ फोटो नॉट अलाउड भाई, वीडियो बना फोटो नॉट अलाउड है, हमने वीडियो बना ली। ओ वाओ, झुमके लेने, झुमके आ जाओ, मैं आपको झुमके दिलाता हूँ। झुमके तो मैं भी ले लूँ, पर झुमके पहनने वाली भी तो नहीं चाहिए, तभी तो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, आओ आपको झुमके दिलाता हूँ। ओ भाई एक नंबर, ये भाई देखने लायक चीज भाई, एक नंबर भाई, बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर है ये सारा डेकोरेशन का। आ गया मिलन, अबे ओए समझ ही नहीं आ रहा भयंकर, क्या देखूं गाना देखूं, इतनी सारी चीजें हैं यहाँ। है तो यार यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें, आप आ सकते हो अगर आपको आना है यहाँ पे, मतलब अगर आप शौकीन हो ना टैलेंट के, टैलेंट ढूंढते हो अगर आप, अगर आपके अंदर जज्बा है मतलब, या फिर आपको और कुछ भी चीज़ें खरीदनी है कुछ अच्छी डेकोरेटिव चीज़ें, जैसे कि ये तो, अगर आपको ऐसी ऐसी तोप वगैरह कुछ भी खरीदना है कुछ भी डेकोरेशन के लिए इस टाइप का,
तो आप यहाँ पे आ सकते हो, बहुत अच्छी जगह है उस चीज़ के लिए, बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। और अगर आप म्यूजिशियन हो, अगर आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है, तब भी आप यहाँ पे आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सिंगर्स, बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, ऐसे ऐसे ठहर के आते हैं यहाँ पे। तो भाई भयंकर ही सीन भाई, तुम्हारा भाई भयंकर ही हो जा रहा है। BTS दोनों जी ने आराम कर रखा हर जगह, ये देखो भाई असली टैलेंट है, क्रिएटिविटी भाई एक नंबर। चलते हैं आगे भाई, यहाँ पे कपड़े वपड़े हैं इस राजस्थान भाई, यहाँ पे ज़्यादा ना राजस्थान के स्टॉल्स हैं, मतलब ज़्यादातर कल्चर यहाँ पे राजस्थान वाली। तो यह है मीडिया सेंटर, मीडिया चैनल, अबे वो मास्क कॉम करके बैठ रखे हो, वो ये क्या संजीर, 10 दिन में बॉडी बनाओ, संजीर नहीं अंजीर, तो भी होता है वो, नहीं है अखरोट थे वो, पर हाँ होगा उस पर। ऐसे ही देखते है जैसे पहली बार देखो, जाए पहली बार देखो, गाँव के लोग शहर में आते हैं, वैसे देख रहा तो भी निकल रहे हैं यहाँ से, बहुत घूम लिए फिर लिए, लेट हो रहा है यार क्योंकि हमने ऐसे ही भटकते भटकते आ गए थे, तो अब घर से भी फोन आ रहे हैं, तो यार अब घर चलते हैं फटाफट से, घूम फिर लिए, अब मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद बाहर जाके। तो भाई अब जा रहे हैं पार्किंग में एक्टिवा के पास, फिर एक्टिवा उठाते हैं और चलते हैं। चल चल किसे, मैं तो खा कर ही नहीं सकता, वो देख भयंकर थे, भयंकर बदतमीजी पूरी पूरी आया, तो एकदम मजा आ गया भाई, इतना बढ़िया सीन है ना, एक नंबर। आप लोगों को भी आना चाहिए ऐसे ही शाम के टाइम, गेड़ी मारते मारते, बढ़िया जगह है टाइम पास के लिए। तो मतलब मोमो चल रहा है थापा के, यहाँ का एक अलग से ब्लॉग बनाऊँगा एक दिन, अभी ज़्यादा नहीं दिखाऊँगा आप लोगों को, बहुत ज़्यादा फेमस वैसे देहरादून में, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, अभी भी तो 9-10 बज रहे तब भी इतनी भीड़ है, पर इसका अलग ही ब्लॉग बनाऊँगा। खा रहे हैं भैया ने ना स्कूटी से चला रखी है सारी लाइट ना, स्कूटी से कनेक्ट करके लाइट वाइट सारा, एक नंबर जुगाड़ है भाई, एक नंबर आते हैं, इसके बाद घर चलते हैं। ये अब आ चुके हम अपनी गली में, अब आज घर ही आ रहे हैं मैं और मिलन, स्प्राइट लिया, स्प्राइट पियेंगे क्योंकि थोड़ा हैवी सा हो गया, मतलब ज़्यादा ही खा लिया, खाया भाई आज हम हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ अभी बहुत अच्छी अच्छी ट्रिप्स पर हमें जाना है तो सपोर्ट करो, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं दिखाओगे तो मेरे को मोटिवेशन नहीं आएगी, मोटिवेशन नहीं आएगी तो मैं ब्लॉग कैसे बनाऊंगा। तो गाइज अभी बैक टू बैक ब्लॉग्स आ रहे हैं, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे इतने टाइम से चैनल पूरा भरा पड़ा है, कंटेंट ही कंटेंट आ रहा है और ऐसे ही कंटेंट अभी और आता रहेगा। तो गाइज स्टे ट्यून और अपना ध्यान रखिए, और हमें ऐसे ही देखते रहिए, प्यार दीजिए, फॉलो करो, लाइक करो भाई, तो ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।